This program is brought to you by the Indian Funcar Show. नमस्कार, मैं अभिजीत शुक्ला। यूँ तो मेरा कामकाज फिटनेस के क्षेत्र में है, लेकिन कला के क्षेत्र से काफ़ी अरसे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो चाहे फिर संगीत के क्षेत्र से हो या अभिनय के क्षेत्र से हो, मैं कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा रहता हूँ। और मैंने यूँ तो पास्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग भी की है और असिस्ट भी किया है डायरेक्शन में, और लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ छूट गया था। अब दोबारा वो साथ जुड़ रहा है थैंक्स टू द इंडियन फनकार शो, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है उभरते हुए कलाकारों के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ अभिनेता हो या डायरेक्टर हो, शायर हो, पोएट हो, जो भी आप अगर कला के क्षेत्र से आप जुड़े हो, तो जो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म आपको द इंडियन फनकार शो से मिल जाएगा। और यूँ तो काफ़ी सारे अलग अलग सोसाइटीज़ है, फिल्म सोसाइटी, जैसे कि गुजरात इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सोसाइटी है, लेकिन वो बहुत ही हायर पर चली जाती है। तो जो बेसिक है, अगर आप अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हो, तो द इंडियन फनकार शो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, आशा रखता हूँ आप भी इसके साथ जुड़ें। तो चलिए, मैं आज आपके लिए कविता पढ़ता हूँ। यूँ तो काफ़ी सारे महान लेखक हमारे भारत देश में हैं, मगर मेरे दिल के करीब और मेरे सबसे चहीते गुलजार साहब हैं। तो उनकी लिखी तीन कविताएं हैं, तीनों का मूड, तीनों का एहसास एक ही है, तो एक के बाद एक मैं तीनों पढ़ूंगा। शुरू करता हूँ। दिन कुछ ऐसे गुजरता है कोई, जैसे एहसान उतरता है कोई। दिल में कुछ यूं संभालता हूं गम, जैसे जेवर संभालता है कोई। आईना देखकर तसल्ली हुई, हमको इस घर में जानता है कोई। पेड़ पर पक गया है फल शायद, फिर से पत्थर उछालता है कोई। देर से गूंजते हैं सन्नाटे, जैसे हमको पुकारता है कोई। दूसरी कविता। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। रात को चांदनी तो उड़ा दो, दिन की चद्दर अभी उतारी है। शाख पर कोई कह कहा तो खिले, कैसी चुप सी चमन पे तारी है। कल का हर वाक्या तुम्हारा था, आज की दास्तान हमारी है। तीसरी कविता। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। शाम के साए बालिश्तों से नापे हैं, चांद ने कितनी देर लगा दी आने में। रात गुजरते शायद थोड़ा वक्त लगे, धूप उंडेलो थोड़ी सी पैमाने में। जाने किसका जिक्र है इस अफसाने में, दर्द मजे लेता है जो दोहराने में। दिल पर दस्तक देना कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद उम्र लगेगी आने में। खुशबू जैसे लोग मिले अफसाने में, एक पुराना खत खोला अनजाने में। तो ये थी तीन कविताएं, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।